हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि भैया बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में टोटल कितना फ़ी लगेगा और उसी तरह से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कितना फ़ी लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फर्स्ट ईयर का इतना फ़ी लगेगा वो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से डाटा रिलीज किया गया है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई किए थे तो फ़ी का डिटेल मांगा जाता है, तो फर्स्ट ईयर में कितना पैसा लगता है उसका डिटेल दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो एडमिशन का जो ऑफिशियल चार्ज है 2630 रुपये लगा होगा जब आप लोग एडमिशन कराए होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2630 में, देखिए एडमिशन फ़ी 10 रुपया है, ट्यूशन फ़ी 120 रुपया है और अदर फी 2500, टोटल मिलाकर 2630 रुपया ये होगा। उसके बाद जब आप जाएंगे फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में जब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होगा तो उस टाइम आपको 2100 रुपया देना होगा रजिस्ट्रेशन फ़ी। उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम होता है, एक ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, तो 1 सेमेस्टर का 3700 रुपये लगता है, यानी कि 1 साल में 7400 रुपये लगेगा। तो फर्स्ट ईयर का टोटल फ़ी देखिए 12130 के आसपास लगेगा। तो जो भी स्टूडेंट जानना चाह रहे थे कि भैया फर्स्ट ईयर में कितना फ़ी लगेगा, तो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई का खर्च इतना ही लगेगा, बाकी मेस का चार्ज आपको अलग से देना होगा, वो 4000 से लेकर के 4200 पर मंथ लगेगा। लेकिन जो पढ़ाई का खर्च है इतना ही लगेगा, बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत ही कम खर्च है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एडमिशन फ़ी कितना लगेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगेगा, एग्जाम फ़ी कितना लगेगा और लाइब्रेरी में बुक आपको फ्री मिलेगा, कोई भी चार्ज नहीं है। और कोई कॉलेज में ड्रेस चलता है तो खुद से ड्रेस लेना होगा, कॉलेज की तरफ से ड्रेस नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई उसका चार्ज लिया जाएगा। तो इसी तरह से देख सकते हैं टोटल जो है 12000 के आसपास में फर्स्ट ईयर कम्प्लीट हो जाएगा। इसी तरह से 50000 में आपको चारों साल का पढ़ाई का खर्च कंप्लीट हो जाएगा, बाकी आप अपना हॉस्टल फी और मेस फी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग को बता दे रहे हैं जितना आपको पढ़ाई का खर्च लगेगा पूरा पैसा आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की तरफ से वापस कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ 12000 रुपया है तो पूरा का पूरा स्कॉलरशिप से वापस हो जाता है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे मेस का और हॉस्टल का फैसिलिटी के लिए पैसा नहीं है, तो वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, उसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं, जा करके देख सकते हैं एडमिशन के बाद कैसे अप्लाई करना है। बाकी फ्रेंड्स, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।